हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइज, फिर से मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। आज के इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे एक छोटे से स्टोरी जिसका नाम है द डे ड्रीमर। इस स्टोरी में आज हम पढ़ेंगे कि एक इंसान है जो डे ड्रीमिंग करता है, मतलब जो सिर्फ सोचता है, वैसा उसके साथ कभी हो नहीं पाता है, तो उसके बारे में ही पढ़ेंगे। तो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। अगर चाहते हैं आप इस तरह के बहुत सारे वीडियोज़ देखना, तो मैं ऑलरेडी इस तरह के बहुत सारे स्टोरीज़ को मैंने ओनली बिगनर्स के लिए मैंने क्या किया है कि मैंने अपने चैनल के में पोस्ट किया है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्टोरी में देख पाएंगे, स्टोरी का नाम क्या है, तो द डे ड्रीमर इट मीन्स की जो मतलब दिन में ही सपना देखे, मतलब जिसके सपने पूरे नहीं होने वाले हो, उसी तरह द डे ड्रीमर उसे हम बोलते हैं। तो स्टोरी में वैसे कि यहाँ पे दिया गया, आप देख पाएंगे कि वंस एक बार अ लेजी मैन हंग हिज पॉट ऑफ मिल्क। क्या हुआ, एक बार एक लेजी आदमी, मतलब एक आलसी आदमी हंग कर दिया इट मीन्स कि किसी चीज़ को लटका दिया। हैंग का यहाँ पे वर्ब टू हंग का यूज किया गया है, वो हंग कर दिया हिज पॉट ऑफ मिल्क, मतलब हिज पॉट ऑफ मिल्क मतलब अपने मिल्क के पॉट को, पॉट इट मीन्स कि घड़ा, मतलब जो उसका जो पॉट था उसको क्या कर दिया, मिल्क का जो पॉट था उसे वो क्या कर दिया, हंग कर दिया, उसे लटका दिया। एबव हिज हेड, मतलब अपने हेड के एबव में, मतलब अपने हेड के ऊपर। एंड स्टार्टेड टू ड्रीम अबाउट इट, और क्या कर दिया, वो क्या शुरू कर दिया, टू ड्रीम अबाउट इट, मतलब इसके बारे में सपना देखना शुरू कर दिया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्टार्टेड, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि इसे हम कैसे सेंटेंसेस में यूज करते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा दिया गया था स्टार्टेड, तो इससे हम कैसे पढ़ेंगे इसको थोड़ा सा देखते हैं। जैसे एग्जांपल पे बात करें इसके, तो जैसे मैं कहूं कि राम स्टार्टेड क्राइंग, इट मीन्स क्या, इसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज होने लगना, तो राम स्टार्टेड क्राइंग मतलब राम चिल्लाने लगा, राम रोना शुरू कर दिया, इसी तरह बोलेंगे। एंड द सेकेंड अगर बोलूं कि जैसे मैं पढ़ाने लगा या मैं पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे आप जैसे स्टार्टेड देख रहे हैं, यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंसेस में स्टार्टेड के साथ टू भी लग जाता है। स्टार्टेड के साथ जब टू आता है तो हम कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि स्टोरी में आप यहाँ पे देख पाएंगे कि स्टार्टेड टू ड्रीम, यहाँ पे वर्ब फोर का यूज न करके वर्ब वन का यूज किया है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे पढ़ेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि किसी भी स्टोरी में स्टार्टेड के साथ टू का यूज किया जाता है, और उस तरह के सेंटेंसेस को हम इसी वे में पढ़ते हैं। जैसे इन सेंटेंसों को मैंने यहाँ पे लिखा है, इसी को हम स्टार्टेड टू के फॉर्म में लिखते हैं। तो लिखेंगे राम स्टार्टेड टू क्राई। यस, इसका भी मीनिंग वही हुआ जो मीनिंग इसका हुआ। ओके, जो मीनिंग इसका हुआ उसका मीनिंग भी वही हुआ। जैसे यहाँ पे था राम स्टार्टेड क्राइंग, मतलब राम रोने लगा, चिल्लाने लगा, उसी तरह यहाँ पे राम स्टार्टेड टू क्राई, इसका भी मतलब क्या हुआ कि राम क्राई करने लगा, राम चिल्लाने लगा। तो यहाँ पे टू आने के चलते जब स्टार्टेड के साथ टू आता है तो यहाँ पे वी1 फॉर्म का यूज किया जाता है। एंड यहाँ पे सिर्फ स्टार्टेड हो, उसके साथ टू का यूज ना हो, तो हम यहाँ पे वी4 का यूज करते हैं, वहाँ पे हम लोग वी4 का यूज करते हैं। ओके, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं कि आई स्टार्टेड टू टीच, मतलब मैं पढ़ाना शुरू कर दिया। वही अगर यहाँ पे मैं टू का यूज नहीं करता तो यहाँ पे मैं टीचिंग लिखता ना, क्योंकि स्टार्टेड अपने आने वाले वर्ड्स के साथ वी4 भी लेता है, लेकिन वही स्टार्टेड के साथ जब टू लग जाता है तो वो वी1 का लेता है। ओके, तो गाइज आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया अबाउट इट, फिर आगे दिया स्टोरी में कि यहाँ पे पहले दिया था कि स्टार्टेड टू ड्रीम अबाउट इट, मतलब वो क्या किया कि इन चीज़ों के बारे में ड्रीम देखना शुरू कर दिया। विथ दिस पॉट ऑफ मिल्क आई शैल मेक सम कर्ड, अब क्या सोचता है कि विथ दिस पॉट ऑफ मिल्क, मतलब जो मिल्क का जो घड़ा है इससे मैं क्या करूँगा, आई शैल मेक सम कर्ड, मैं कुछ कर्ड बनाऊंगा, मैं कुछ दही बनाऊंगा। एंड तब I will sell that curd, और तब क्या करूँगा कि उस curd को मैं sell करूँगा। And buy, और खरीदूँगा more curd, और ज़्यादा से ज़्यादा curd को मैं खरीदूँगा। More curd का मतलब कि ज़्यादा curd को मैं खरीदूँगा। Then तब
आई विल चर्न द कर्ड एंड मेक बटर, तब मैं क्या करूंगा, देन आई विल चर्न, चर्न करना इट मीन्स कि जैसे कि दही से अगर मक्खन बनाना हो तो उसे चर्न करना पड़ता है, चर्न करना इट मीन्स कि उसको किसी घड़े में रख के उसको उसको मथना पड़ता है, थोड़ा सा उसको उसको मिक्स करना पड़ता है किसी एक मशीन आता है, हैंड से भी पहले समय में लोग करते थे, मथते थे उसको, तो उसको चर्न करते थे, तो देन आई विल चर्न, मैं क्या करूंगा, तब मैं चर्न करूंगा द कर्ड मतलब कर्ड को एंड मेक बटर और बटर बनाऊंगा। तो यहां तक तो बस ये भी मतलब यहां पे आप देख पा रहे हो कि ये डे ड्रीमिंग कर रहा है, ऐसा ये सोच रहा है, इस स्टोरी में एक्सप्लेन किया गया कि ऐसा ये बस सोच रहा है। देन आई विल सेल दैट बटर, तब मैं क्या करूंगा, उस बटर को सेल करूंगा एंड मेक लॉट ऑफ मनी, और मैं लॉट ऑफ मनी बनाऊंगा मतलब बहुत सारे पैसे इकट्ठे करूंगा, मैं मेरे पास क्या होंगे, बहुत सारे पैसे होंगे, लॉट ऑफ मनी इट मींस कि बहुत सारे पैसे मैं मेक करूंगा, इट मींस कि कमाऊंगा। ओके, विथ डैट मनी, फिर क्या सोचता है कि उस मनी से, विथ डैट मनी मतलब उस मनी से आई विल बाई एलिफेंट, मैं क्या खरीदूंगा, एक एलिफेंट खरीदूंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डे ड्रीमिंग में ऐसा फिगर में भी दिया गया कि ये क्या कर रहा है, कि ये डे ड्रीमिंग कर रहा है एंड यहाँ पे एलिफेंट भी देख रहा है। तो आई विल बाई एलिफेंट, मैं क्या करूँगा, एलिफेंट खरीदूंगा। आई विल देन सेल द एलिफेंट्स एंड बाई अ लॉट ऑफ गोल्ड, फिर क्या कहता है, सोचता है ये कि मैं तो पहले मतलब ये क्या सोचा कि मैं एलिफेंट खरीदूंगा, आई विल देन तब मैं क्या करूंगा, एलिफेंट को सेल कर दूंगा। आई विल देन सेल द एलिफेंट्स मतलब मैं एलिफेंट्स को सेल कर दूंगा एंड बाई लॉट्स ऑफ गोल्ड, और मैं लॉट्स ऑफ गोल्ड को क्या करूंगा, बाई करूंगा, खरीदूंगा। ओके, बाई मीन्स खरीदना, एंड ज्वेलरी और ज्वेलरी भी। आई विल मैरी अ वेल्दी मर्चेंट्स डॉटर, आई विल मैरी मैं शादी करूंगा अ वेल्दी मर्चेंट्स डॉटर मतलब एक बहुत ही वेल्दी मतलब धनी मर्चेंट्स डॉटर मतलब जो व्यापारी होते हैं ना, मर्चेंट्स बोले जाते हैं, तो जो धनी व्यापारी के डॉटर से ये क्या करेगा, शादी करेगा। अभी तक ये बस डे ड्रीमिंग में ही है, अभी तक ये सोच रहा है और ऐसे ऐसे बातों को ये बोल रहा है। देन वी विल हैव अ सन, तब क्या होगा, हमारे पास एक पुत्र होगा, एक बेटा होगा। बट वाट इफ माई सन इज वेरी नॉटी, तो फिर क्या बोलता है, बट वाट इफ माई सन इज वेरी नॉटी, तो फिर क्या सोचता है कि अगर क्या हो मतलब ऐसा अगर मतलब बट वाट इफ माई सन इज वेरी नॉटी, तो क्या कहता है कि जब मेरे मतलब मेरा बेटा अगर नॉटी होगा तो मतलब तो उसका क्या होगा, मतलब ऐसे अगर मेरा बेटा अगर नॉटी हो जाए तो तब क्या होगा। What if he does not listen to me? अगर मतलब वो मेरा ना सुने तब क्या होगा, तो वही यहाँ पे ये सेंस है, What if he does not listen to me? अगर वो मेरा नहीं सुनता है, मतलब ये ऐसा सोच रहा है कि अभी तक तो बहुत सारे ख्वाब देखा कि मैं शादी करूंगा, ये करूंगा, एलिफेंट को बेचूंगा, बहुत सारे गोल्ड को मैं खरीदूंगा, फिर उसी तरह ये भी सोचता है कि अगर मेरा बेटा अगर नॉटी हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, फिर ये सोचता है कि अगर वो What if he does not listen to me? अगर वो मेरा नहीं सुनता है तो हम क्या करेंगे, मतलब ये सोचता है कि मेरे अगर बातों को नहीं सुनेगा तो हम क्या करेंगे, यही सब सोचते सोचते आगे क्या होता है स्टोरी में, तो चलिए आगे भी देख लेते हैं। दिया गया है कि बट लेकिन इन डूइंग सो मतलब ऐसा करते हुए, इन डूइंग सो का मतलब ऐसा करते हुए, मतलब ये बता रहा है कि वो ऐसा सोचते हुए, इन डूइंग सो ऐसा करते हुए, ही किक्ड, वो क्या किया, किक्ड किया द पोट ऑफ मिल्क एबव हिज हेड, और क्या करता, वो किक्ड कर दिया मतलब उससे मार दिया, किक मींस मारना पैरों से, ही किक्ड द पोट ऑफ मिल्क, वो पोट ऑफ मिल्क को क्या करता है, मिल्क के जो पोट है जो घड़े उसे किक्ड कर दिया, एबव हिज हेड मतलब जो उसके क्या था, उसके हेड के एबव में था, ठीक है। ऑल द मिल्क फेल ओवर हिम, और क्या होता है, ऑल द मिल्क जो भी मतलब जितने भी मिल्क थे, फेल ओवर हिम क्या हो गए, उसके ऊपर फेल हो गए, इट मीन्स कि गिर गए, क्योंकि एबव हिज हेड था ना, जो मतलब जो मिल्क का पोट था उसके एबव हेड था, मतलब सर के ऊपर था। ऑल द मिल्क फेल ओवर हिम, सभी मिल्क क्या हो गए, उसके ओवर ऊपर गिर गए, ओवर मीन्स यहाँ पे सेंस दे रहा है ऊपर। द मैन वोक अप, मैन क्या हो गया, जग गया, क्योंकि अभी भी वो उस समय तक क्या था, डे ड्रीमिंग में था, सोच बस वो ख्वाबी देख रहा था। तो द मैन वोक अप, मैन क्या हुआ, वोक अप हो गया, वनली टू रियलाइज, केवल रियलाइज करने के लिए, इट वॉज हिज ड्रीम, कि यह क्या था, उसका एक सिर्फ ड्रीम था, क्योंकि वो ड्रीम देखते देखते क्या किया था कि अपने पैरों से ही क्या किया था, वो अपने जो मिल्क से वो रिलेटेड सपने देख रहा था, उस सारे सपने पे पानी फेर दिया था। एंड नाउ, और अब ही हैड नो मिल्क, अब उसके पास कोई मिल्क नहीं था, क्योंकि वो तो पैरों से मार के क्या किया था, सारे मिल्क को गिरा लिया था, और उसके जितने भी डे ड्रीमिंग थे वो भी खत्म हो चुके थे। आई होप गाइस कि आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर ऑल, लव यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू, बाय।